कैसे हो दोस्तों, डीसी की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉमिक स्टोरी लाइंस डूम्सडे क्लॉक में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड से हमने देखा कि पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए ओज़िमंडास और रोडशैक माइम और मैंशन को रिक्रूट करते हैं डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढने के लिए। उसे ढूंढते ढूंढते वो लोग अर्थ प्राइम पर आ जाते हैं। अर्थ प्राइम पर मदद मांगने के लिए ओज़िमंडास लेक्स लूथर से मिलने के लिए जाता है और रोडशैक बैटमैन से मिलने के लिए जाता है। ओज़िमंडास पर लेक्स कॉर्प की बिल्डिंग में हमला हो जाता है और उस हमले में लेक्स लूथर को गोली लग जाती है और ओज़िमंडास वहां से भाग जाता है। रोडशैक बैटमैन को कोवैक की जर्नल देता है और उसे पूरी स्टोरी समझाता है, पर बैटमैन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और उसे झांसा देकर आर्कम असाइलम में फेंक देता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक पिछले के 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से पहले ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उन 3 एपिसोड को देख लीजिए। तो चलिए, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एपिसोड 4 शुरू करते हैं। बैटमैन ने रोडशैक को आर्कम असाइलम के प्रिजन में बंद कर दिया है। प्रिजन में रोडशैक को अपनी पूरी कहानी फ्लैशबैक के तौर पर याद आती है। प्रिजन में जब वो खाना ले रहा होता है तब उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तब जॉन कैनेडी उससे उसके सारे पैसे ले लेता था और उसे खाने के लिए वॉर्म्स देता था। वो वॉर्म्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, इसलिए उनकी उल्टी करके बाहर निकाल देता था। वो कभी भी उससे लड़ता नहीं था, उसकी बात हर बार मान लेता था। तभी एक स्ट्रेंज आदमी आकर उससे कहता है कि डियर डम, तुम्हें इस प्रिजन में देख रहे हैं, तुम मेरे साथ आज से बैठोगे, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। फ्लैशबैक में छोटा रोडशैक न्यूज चैनल पर देख रहा होता है। यूनाइटेड नेशन ने एक्टिव वॉर के दौरान डॉक्टर मैनहट्टन को वियतनाम में भेज दिया था और इसके बदले में वियतनाम ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया। सभी लोग प्रेसिडेंट के इस डिसीजन की निंदा कर रहे हैं, पर प्रेसिडेंट अब ऐसा प्लान बना रहे हैं कि डॉक्टर मैनहट्टन को रशिया और मॉस्को में भेजा जाए। रोडशैक की मदर कहती है कि हमें अमेरिका छोड़कर चले जाना चाहिए, यहाँ किसी भी टाइम पर हमला हो सकता है। रोडशैक का फादर कहता है कि मैंने अभी अपने लिए एक नाम कमाना शुरू किया है, अगर अभी हम यहाँ से चले गए तो फिर हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पैसे कमाने के लिए हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं रहेगा। एक बार मेरी बुक पब्लिश हो जाने दो, वो फेमस होगी और फिर मैं एक बहुत बड़ा राइटर बन जाऊंगा, फिर हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ से मैं बुक्स लिख सकूँगा। रोशा कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ही कम बोलता था, मेरे ग्रेड्स एवरेज आते थे और मैं लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा था, मेरी सोशल लाइफ भी बहुत कम थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरी मम्मी के साथ रहता था क्योंकि पापा काम पर जाते थे। फ्लैशबैक में पुराने रोडशैक को पकड़ लिया गया है और उसे प्रिजन में डाल दिया गया है और अगले दिन उसका साइक इवेल्यूएशन होने वाला है और फिर उस पर मुकदमा भी चलने वाला है। डॉक्टर मैनहट्टन कहीं गायब हो गया है और अमेरिका और रशिया के बीच में वॉर होने ही वाला है। दूसरी तरफ रोडशैक को प्रिजन में डॉक्टर मैथ्यू मैनहट्टन मिलने के लिए आता है। वो रोडशैक से पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए रिकॉर्ड्स पूरी दुनिया में किसी से भी मैच नहीं होते हैं। हमें तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि बैटमैन तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गया। चलो हमारी बातें इसी बात से शुरू करते हैं, तुम बैटमैन से कैसे मिले। पर रोडशैक को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और वो चिल्लाने लगता है। फ्लैशबैक्स में उसे दिखता है कि कुछ लोग आकर उसे उसकी गाड़ी से निकाल कर लेके जाते हैं। वीट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग मारे गए और कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं और वो सब भी पागल हो गए हैं। अमेरिका की सभी मेंटल इंस्टीट्यूशंस इन सभी लोगों से भर पड़ी थी। सभी लोग क्रेजी क्रेजी थिंग्स कर रहे थे। ऐसा बिहेवियर देख के प्रिजन के डॉक्टर्स उसका डोज बढ़ा देते हैं, पर फिर भी रोडशैक डॉक्टर्स को धक्का देकर भाग जाता है। सीढ़ियाँ चढ़कर वो टेरेस पर पहुँच जाता है। टेरेस पर उसे एक और आदमी मिलता है, वो स्ट्रेन सी बातें करना शुरू कर देता है।
रोडशेक पूछता है कि तुम यहाँ से भागने का कैसे प्लान कर रहे हो, क्या तुम ऊपर से नीचे कूदने वाले हो? तो कहता है कि नहीं, इन सबको लगता है कि मैं पागल हूँ, पर असल में मैं उड़ सकता हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी नीचे कूद जाता है। थोड़ी सेकंड बाद वो ऊपर आता है, अपने पंख खोलता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। ये देखकर रोडशेक दंग रह जाता है और पीछे से पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसे पकड़कर वापस प्रिजन में लेके जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट रोडशेक के मास्क पर बना हुआ इमेज उसे दिखाकर कहता है कि तुम्हें इसे देखकर क्या दिखता है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मुझे तुम्हें शॉक थेरेपी देनी पड़ेगी। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि इसे नीचे लेके जाओ और 540 वोल्ट का झटका दो। ये सुनकर रोडशेक कहता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पिक्चर देखकर मुझे एक मौत की याद आती है। पुलिस जो बूढ़ा आदमी उड़कर भाग गया था उसे वापस पकड़ लेती है। फिर वो बूढ़ा आदमी रोडशेक के मिलता है प्रिजन में और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं उड़ सकता हूँ, लोग मुझे दी मॉथमैन बुलाते थे। फिर साइकियाट्रिस्ट वापस रोडशेक से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, बैटमैन ने तुम्हें यहाँ पर क्यों डाला है? क्या तुमने बैटमैन को ढूंढा था या उसने तुम्हें ढूंढा था? पर रोडशेक उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि उसे कुछ भी करके उसे प्रिजन से बाहर निकलना है और डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढना है। फ्लैशबैक्स में रोडशेक अपने डैड की नोट्स के साथ रिसर्च करना शुरू कर देता है। वो पता लगाना चाहता है कि मिलियंस लोगों को मारने में और बाकी सभी लोगों के ब्रेन के साथ मैस करने के लिए कौन जिम्मेदार है। पर उसमें से कुछ फाइल्स मिसिंग है जिसकी वजह से वो पता नहीं लगा पा रहा है कि ये सब किसने किया। और इसी के दौरान ब्रायन रोडशेक की ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो उसे सभी टाइप की फाइटिंग टेक्निक सिखाता है जिसकी वजह से रोडशेक एक अच्छा फाइटर बन जाता है। और तभी रोडशेक को कुआक की पुरानी जर्नल्स मिलती है। वो उस जर्नल को पढ़ता है और उसे सभी बातें पता चल जाती है। उसे पता चलता है कि ओज़िमंडास यानी कि वीड ने ये सब काम किए हैं। तभी न्यूज़ में दिखाते हैं कि गवर्नमेंट जो जो लोग सर्वाइव किए हैं उन सभी को इकट्ठा कर रहे हैं और उनसे पूछ पड़ताल कर रहे हैं अगर उन्हें एड्रियन वीड के बारे में कुछ पता हो। और फिर रोडशेक को भी बोला जाता है कि उसका भी ट्रांसफ़र हो गया है। ये सुनकर वो डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रुकेगा तो उसे DC में जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के बीच में। इसलिए वो अपना सभी सामान पैक कर वहाँ से भाग जाता है। फिर उसे अपने बैकपैक में से एक लेटर, एक मैप और एक मास्क मिलता है। उस मैप में लोकेशन बताई गई है जिसके बारे में वो कब से खोज कर रहा है, और वो है नॉर्थ पोल। इसलिए रोडशेक अपनी शिप में नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। वहाँ पहुँच कर वो मास्क पहन लेता है और मैप की लोकेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे एड्रियन वीड मिलता है। वो उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। वेट कहता है कि मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब जो हो गया सो हो गया, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है। प्रेजेंट में प्रिजन में रोडशेक को जेन डो मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि मैं इस प्रिजन में बहुत टाइम से हूँ और मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, और अब टाइम आ गया है कि हम दोनों को इस प्रिजन से निकल जाना चाहिए, मेरे साथ आओ। रोडशेक पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि एक फ्रेंड, और वो दोनों आर्कम असाइलम से भाग जाते हैं। बैटमैन इसे मॉनिटर कर रहा होता है। वो अल्फ्रेड से कहता है कैसा लगता है कि मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया है, उसे बहुत कुछ पता है और हमें कुछ भी नहीं पता। जैसा कि इस जर्नल में लिखा है, ये लाइट क्या है हमें ये पता लगाना होगा। और यहीं पर हम एपिसोड 4 ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अब जब रोडशेक प्रिजन में भाग गया है तो वो आगे क्या करता है। क्या वो बैटमैन से बदला लेगा या फिर अपने मिशन यानी कि डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढेगा? ओज़िमंडास अपने प्लान को कैसे आगे एग्जीक्यूट करता है? और माइम और मैंशन जोकर को ढूंढने के लिए निकले हैं तो क्या उन्हें जोकर मिलता है या नहीं? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर हल स्मैश मार दीजिए और
बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। मेरा नाम है नील, यह है कॉमिक्स असेंबल। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही रिलीज़ करूँगा।